गुड इवनिंग गाइस, आज अपन करांगे 3D ज्योमेट्री का डे नंबर 3। 2 दिन अपन हो गए 3D ज्योमेट्री के, जिथे अपन कंसेप्ट प्लस एमसीक्यूज कीते सी। कंसेप्ट अपने लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज अपन एमसीक्यू करांगे। मोस्टली अपने 30 एमसीक्यू हो चुके हैं, इस 30 तो बाद वाले एमसीक्यू अपन देखांगे। ठीक है जी, 2 MCQ अपने वो सके जेडे अपने कल मतलब दिक्कत आ रही सी अपन को, तो वो 2 MCQ जेडे सी उन्होंने दोनों की स्टेटमेंट अपने को रोंग सी। देखो पहला MCQ जेड़ा अपना सीगा, ये कल अपना 28 नंबर सीगा अपने को। ठीक है जी, 28 नंबर क्वेश्चन सीगा ये। तो ये जी आप कल उत्थे क्वेश्चन दिती हुई सी, इतने अपन दिती हुई सी 2x - y + z = 0। हूँ इतने जी स्टेटमेंट है ये की आना सी अपने को, +3 आना सी। ठीक है जी, तो स्टेटमेंट तुम सही कर लियो, तो ये स्टेटमेंट हम आप देखते हैं किमें अपन सही करा। तो करके अपने कल आंसर च दिक्कत आ रही थी क्योंकि अपनी स्टेटमेंट ही रोंग सी। 2x - y + z + 3 = 0, और पॉइंट की अपने को 1, 3, 4। तो इमेज पॉइंट फाइंड करने ने, देखो आ पॉइंट है 1, 3, 4, आ कोई प्लेन है। ठीक है जी, तो इतने की होगी इमेज पॉइंट होगी, इतने कोई इमेज होएगी, तो आप फाइंड करने आ की होंगे है फुट, आ होंगी है इमेज। तो यहाँ अपने को मैथड की होंगे है x - x1/a। ए की है तो x1 की है वो आप देख लेंगे एक बार। देखो x1 y1 z1 तो पॉइंट हो गए जो दिते हुए हैं, x1 y1 z1, आ हो गया पॉइंट, आ x1 हो गया, आ x1 y1 ते z1। ठीक है जी, और abc की हो गया, वो हो गया अपने को प्लेन ax + by + cz + d, आ हो गया प्लेन, आ ए हो गया, आ बी, आ सी, आ डी, तो अपने को आ गया। तो दूसरे नंबर पे आएगा y - y1, नीचे आ जाएगा फिर b, और इधर आ जाएगा z - z1/c। अगर आप इमेज फाइंड कर दें तो आप की लगाने हैं मल्टीप्लाई च -2 -2 ते नाल सारा ax1 आ पॉइंट ए फिल कर देवे, by1 cz1 + d, नीचे a² + b² + c². एक गल जी ध्यान रखने वाली है कि यह आप रूट नहीं लेना, बस गल ये है कि रूट आप उदो लें जो डिस्टेंस फाइंड करते हैं, आप इतने डिस्टेंस नहीं फाइंड कर रहे, तो यदा आप इतने की नहीं लेना रूट नहीं लेना, आ गल तुसी ध्यान रखनी है कि इतने आप रूट नहीं लगा। तो सारा कुछ कर दो पुट, x - x1 कि 1, a कि 2, फिर y - y1 3, और b कि -1, फिर z - z1 कि 4, और c कि 1 = -2, a 2 x1 2 × 1, -1 पहले ही है, 1 - 3 + c, z की थान पर आ जाएगा 4 + 3, नीचे इन्हों का स्केयर a² यानी कि 4 + -1 का स्केयर 1 1 का स्केयर 1। ठीक है जी, आ हो गया अपने को x - 1/2, y - 3/-1, z - 4/1, और इधर अपने को 3 नाल 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 × 2 = 6, और नीचे भी 6 था, ये सारा कटिया गया, 6 नाल 6 कैंसिल हो गया, तो = 2 आ गया अपने को -2। तो हम आप इतों फाइंड कर लेंगे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -4 + 1 - 3, वाई की वैल्यू कितनी आएगी, -2 तो इधर आ जाएगा -3 + 3 हो जाएगा, ये आ जाएगी 5, तो जेड आ जाएगा -2 + 4 2, अपने को आ गया -3 5 2। अज अपना आंसर राइट आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, जिदेज आपको कल दिक्कत आ रही थी वह आंसर अपने अच को राइट आ रहा है, क्योंकि कल अपने को स्टेटमेंट ही रोंग सी। इतने आप कल गल कही कि मे बी हो सकता स्टेटमेंट रोंग हो गए क्योंकि अपना मैथड बिल्कुल सही सगा। क्लियर, तो इदा आप फाइंड कर सकते हैं इमेज पॉइंट।
अगर आपां फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करने हो, मान लो इसे क्वेश्चन दे विच आपां नूं कह दिता जांदा कि फुट फाइंड करो, तां फिर आपां सिर्फ इत्थे की लेना सी, माइनस वन लेना सी। देखो आपां इत्थों चक लैंदे आ, इन्ना क्वेश्चन आपां सेम करांगे, बस इत्थे की आएगा माइनस वन, आ कटिया जाणा सी, इत्थे हो जाणा सी माइनस वन, तां इहनूं माइनस वन देख लग के देख लो, तां माइनस वन हुंदा, तां माइनस टू प्लस वन, माइनस टू माइनस टू हो जाता है, तो प्लस वन माइनस वन, और माइनस माइनस प्लस वन, प्लस थ्री फोर, और हो जाना सी ये माइनस वन प्लस फोर थ्री, आ जाने से जी अपने को फुट फुट ऊपर बनने, क्योंकि आप इतने माइनस टू की जगह की लेंगे माइनस वन लेंगे, बाकी तो सारा कट्टे गया, सिर्फ इतने माइनस वन बचना सी। तो इनू देखो जो फुट आए आ, फुट आप चेक भी कर सकते हैं, इनू आप अगर प्लेन के पुट करा तो यह प्लेन में सैटिस्फाई कर देंगे। देखो पुट करके देख लो, टू एक्स की जगह माइनस वन, फिर फोर माइनस का फोर, प्लस थ्री थ्री, तो यह कि हो गया माइनस टू माइनस फोर प्लस सिक्स, माइनस सिक्स प्लस सिक्स, देखो तो यह सैटिस्फाई करके ये होंगे फुट। फुट आप दो तरीक फाइंड कर सकते हैं, बाय ऑप्शन भी जो सैटिस्फाई कर जाएंगे, अगर दो ऑप्शन सैटिस्फाई कर रहे हैं फिर आप मैथड लगाना पैना, नहीं तो आप सीधा अगर एक ही पॉइंट एक ही ऑप्शन सैटिस्फाई कर रही है फिर अपने फुट बन जाएंगे। ठीक है जी, तो आ माइनस फोर वन फोर थ्री ये आप एक्स्ट्रा काम किया इस क्वेश्चन के बच्चे, आप फुट कटने भी सीख ले तो इमेज पॉइंट कटने भी सीख ले, रह जाएगा ध्यान दे विच ये गल सारी, किदा आप फुट फाइंड करते हैं किदा आप इमेज पॉइंट फाइंड करते हैं। क्लीयर, तो तुम बस जी गल हैगी ध्यान दे देखने वाली वो है, इमेज लई आप की लगावे माइनस टू, तो फुट लई की लगावे माइनस वन, बस इन्ना ध्यान रखना। क्लीयर जी, ओके। दूसरा क्वेश्चन जोड़ा सीगा अपना डाउट आया सीगा, ये सीगा अपने को जी 20 नंबर क्वेश्चन, ये विच भी स्टेटमेंट कुछ रोंग सीगा, ठीक है आप सही की है। तो हम देखो अपने को है ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर है, ए बी सी डी, ए पॉइंट की ने जीरो फोर वन, बी दे पॉइंट टू थ्री माइनस वन, सी दे पॉइंट फोर फाइव जीरो, डी दे पॉइंट टू सिक्स टू। तो देखो ए बी की आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ए बी की डिस्टेंस की आएगी टू थ्री माइनस फोर वन, वन माइनस टू फोर नाइन, ए आ जाएगी रूट नाइन जाने की थ्री। बी सी की डिस्टेंस कितनी आएगी टू दस केयर फोर, फोर फोर एट, वन नाइन रूट नाइन, ए भी थ्री आ गई। इदा तुम आह डिस्टेंस फाइंड करोगे ए भी थ्री आ जाएगी, आह डिस्टेंस फाइंड करोगे थ्री आ जाएगी, यानी कि तीनों साइड की आ रही हैं इक्वल, तीनों साइड सॉरी फोर साइड की आ रही ने इक्वल, अगर चारों साइड इक्वल आ जाए तो वह की बन जाता है स्क्वेयर, स्क्वेयर ही होंगे अपने को। स्क्वेयर का पाई एरिया किमें फाइंड करते हैं, ए स्क्वेयर, तो एक साइड कि तीन, तो यह आ जाएगा तीन का स्क्वेयर, यानी कि नाइन स्क्वेयर यूनिट अपना एरिया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर की होगी ए, राइट। क्लियर, ये अपने दो डाउट सके कल जे आप कल छे भी कल देख लवेंगे, अच्छ आप क्लीयर कर देंगे। ठीक है जी, होगी क्लीयर। चलो जी हम आप मूव करते हैं नवे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 32, द थ्री पॉइंट ए बी सी फॉर्म, ए बी सी कहना की बना रहे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस या राइट एंगल आइसोसेलेस। तो सब तो पहला आपू इना जानकारी होनी जरूरी है, इक्विलैटर कि होंगे जिंदियाँ थ्री साइड इक्वल हो, तीनों साइडा ही इक्वल हो, राइट एंगल आपको पता ही है एक तो 90 डिग्री का एंगल होना जरूरी है, तो एक पाइथागोरस लगनी जरूरी है कि किसी एक साइड का स्केयर, किसी एक साइड का स्केयर दो साइड दे इक्वल हो, साइड स्केयर प्लस साइड स्केयर। ठीक है जी, ऐदा अगर हो गए फिर आइसोस्केलस जिंदियाँ दो साइड इक्वल हो, दो साइड इक्वल हो, आ राइट एंगल उस राइट एंगल भी बनता हो दो साइड इक्वल हो, आप चार ऑप्शन की जानकारी होगी। हम आप देखो जी इन्हों चेक करते हैं कि कहड़ी ट्रायंगल बन रही है, ए बी सी, ए कितना पॉइंट है वन टू थ्री, बी है अपने को थ्री वन टू,
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਂਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ 2-3 ਵਾਰ। ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, AB ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈਏ। AB ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? AB ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੂਟ ਆਫ 3 - 1 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, 1 - 2 - 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 1, 2 - 3 - 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 1, ਤਾਂ 4, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਰੂਟ 6। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ BC, ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ AB, BC ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ। रूट दे अंदर 3 - 2 दा 3 - 2 1, तो 1 दा स्केयर 1, फिर प्लस 1 - 3 - 2 ओदा स्केयर करांगे 4, 2 - 1 1 1 दा स्केयर 1, ए भी आ गया रूट 6 डिस्टेंस। हम फाइंड कर लेने अपन AC, AC देखो की आएगी 2 - 1 1 ओदा स्केयर भी 1, 3 - 2 1 ओदा स्केयर भी 1, 1 - 3 - 2 ओदा स्केयर 4, ए भी आ गया रूट 6। तो तीनों साइड की आगना इक्वल, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, तीनों साइड इक्वल, तो यह कि ट्रैंगल होगी अपने को इक्वी लैटरल। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए राइट। क्वेश्चन नंबर 33, इन विच रेशो 3, 4, 5 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6 इंटरनली। देखो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, चलो आप पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। कल भी कह रहे थे कि डायग्राम नाल समझाया जाए। देखो आज इधर अपने को पॉइंट है 1, 2, 3, एक अपने को पॉइंट है 4, 5, 6, ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है किसी रेशो के, आप रेशो मान लेंगे के रेशो 1, तो डिवाइड होकर इतने जो पॉइंट बन रहा है वह बन रहा है 4, 5, सॉरी 3, 4, 5। तो ये आप लगावे कि सैक्शन फॉर्मूला, तो सैक्शन फॉर्मूला आपको की कहता है के की मल्टीप्लाई करा पहला 4 - 4K, फिर 1 की करा इधरले एक्स वाले प्लस 1, नीचे के प्लस 1। देखो कि तुम चाहो तो टाइम अपने को घट होएगा, आप सिर्फ रेशो फाइंड करनी है, तो आप बाकी दोनों ना करिए वाई तो जैड, आप कर सकते हैं वाई तो जैड, बट आप जरूरत ही नहीं है क्योंकि अपने को कोफिशियंट आ गया, इनू आप रख देंगे 3 के इक्वल, सिर्फ आ की देखो ला 3 के इक्वल। आप के फाइंड करना है, तो इतों की आ गया 4K + 1 = 3K + 3, तो 3K इधर आ जाएगा, ये बच जाएगा ओनली के, आ उधर जाके बच गया 2। ठीक है जी, तो अपने को सी के रेशो 1, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो यह आ गया 2 - 1 अपना। सिंपल इदा आप फाइंड करना, अगर आप वाई तो जेड कोऑर्डिनेट भी फाइंड करते हैं वो भी फाइंड कर सकते हैं। वाई की आएगा अपने कोऑर्डिनेट 5K + 2 / K + 1, अगर तुम 4 दे कोल रखोगे नू तां भी अपने को आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, जेड कोऑर्डिनेट भी आप फाइंड कर सकते हैं 6K + 3 / K + 3, जेड वाले नू तुसी अगर 5 दे कोल रख दोगे, वाई वाले नू 4 दे कोल, तां आंसर अपने को सेम ही आना। ठीक है जी, 2 - 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 34, द रेशो इन विच लाइन ज्वाइनिंग 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6 डिवाइड एक्स वाई प्लेन इज। एक्स वाई प्लेन के डिवाइड हो रहा है, देखो एक्स वाई प्लेन के जैड की होएगा, एक्स वाई प्लेन के जैड की होएगा, कोई दस सकता है एक्स वाई प्लेन के जैड की वैल्यू कितनी होएगी? तो जी अपने को एक्स वाई प्लेन के जैड होएगा 0, तो यदा मतलब आप सैक्शन फॉर्मूला लगा के जैड वाला कोफिशियंट फाइंड करके उन्होंने 0 के कोल रख देंगे, तो अपने को वैल्यू आ जाएगी के दी। ठीक है, तो देखो जी अपने को लाइन इतने अपने को 1, 2, 3 है, 4, 5, 6 है, ए डिवाइड हो रहा है के रेशो 1 च। आप लैत कर आप सिर्फ एक्स वाला भी छड़ देंगे, वाई वाला भी छड़ देंगे, तो सिर्फ जैड वाले तो लगावे उन्होंने 0 के कोल रख देंगे, क्योंकि एक्स वाई प्लेन क्या होया तो मतलब जैड की होएगा 0 होएगा, तो जैड लगा दो 6K + 3 / K + 1 = 0। ठीक है जी, आ गया अपने को इतों की आ गया 6K + 3 = 0, के वैल्यू कितनी आ गई
-3 अपॉन 6 -1 अपॉन 2 -1 अपॉन 2 आ गई। तो रेशो कितनी आ जाएगी फिर, द रेशो नेक्स्ट लाइन -1 अपॉन 2 आ गई, डी ऑप्शन। इतने ना सीधे केरी वैल्यू लिखती, अगर रेशो आपका कटनी हो के रेशो 1 तो -1 रेशो 2 ऐसा भी लिख सकते हैं, इनको ऐसा भी लिख सकते, ठीक है। ये भी रेशो ही है -1 अपॉन 2 से, तो रेशो नु आप डिवाइड दे विच भी लिख लेने हैं ते ऐसा रेशो पा के भी, क्लियर। तो आंसर आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट फॉर्मूला फॉर रिप्रेजेंटिंग ए प्लेन। किसी भी प्लेन नू रिप्रेजेंट करने का केड़ा भी केड़ा सही फॉर्मूला नहीं है। देखो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन की गल करिए तो यह तो जी प्लेन की कि फॉर्म होंगी है जनरल फॉर्म, जब जिन्होंने वैक्टर फॉर्म बोल देते हैं, आर वैक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। तो यह तो सही है, प्लेन को रिप्रजेंट करते हैं आप इस फॉर्म का, तो यह तो राइट हो गया। फिर आ भी राइट है, अगर आप ए बी सी अपने को डायरेक्शन रेशो हो ए बी आप राइट है, ए प्लेन आप इदा भी लिख लेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, तो ए भी राइट हो गया जी। आप नोट करैक्ट दसना है, फिर एल एक्स प्लस एम वाई, एल एक्स एम वाई एन जेड इज इक्वल टू डी आ भी राइट है, अगर एल एम एन की हो अपने को डायरेक्शन को साइन हो ये भी राइट है, बट राइट केड़ा नहीं है आ वाला, ए एल एम बी सी एन डी स्केयर, ये तो आप कदम नहीं सुने कि यह प्लेन होंगे, तो यह प्लेन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आ होगी राइट डी। इन्होंने नोट करेक्ट पूछा सी, नोट करेक्ट के लिए आ गई डी। क्वेश्चन ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 36। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है इस प्लेन की, केड़ा प्लेन दे रखा अपन आर वेक्टर डॉट टू आई कैप जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 4। दसो जी आंसर तुम्हें दसना है कि ऑप्शन राइट होएगा इसका, आर वैक्टर अपने को होंगे, आर वैक्टर होंगे अपने को एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ठीक है जी। ये आप डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो एक्स आई वाई जे जेड के डॉट टू आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू 4, आई वाला आई वन हो जाएगा, तो 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल, ऑप्शन नंबर बी राइट, ठीक है जी, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, प्लेन दे रखा है 3x प्लस 4y माइनस 5z माइनस 7, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, कौन करेगा डिस्टेंस फाइंड, आंसर दसो यहाँ कितना आएगा, डिस्टेंस ये किवें फाइंड करेंगे आप। देखो इस प्लेन की डायरेक्शन रेशो ने वो अपने को ने 3 4 माइनस 5, आप इन्हों मैगनीच्यूड कट दिए, मैगनीच्यूड आ जाएगा अपने को 9 16 25 जाने की रूट 50। तो हम अगर आप डीसी बनाने हो डायरेक्शन कोसाइन तो हो जाएंगे 3 अपॉन रूट 50 4 अपॉन रूट 50 -5 अपॉन रूट 50। तो इस प्लेन में आप करा रूट 50 में डिवाइड कर देवे, देखो 3 अपॉन रूट 50 एक्स प्लस 4 अपॉन रूट 50 वाई माइनस 5 जेड अपॉन रूट 50 इज इक्वल टू आ गया 7 अपॉन रूट 50, इन आप इक्वल चला गए 7। हम देखो कि फॉर्म बन गई, ये फॉर्म बन गया अपने को एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी, एल एम एन की है इतने जैक्शन कोसाइन, ठीक है जी। आ की होंगी अपने को डिस्टेंस डी, तो डी इतों कि आ गया 7 अपॉन रूट 50।
आंसर नंबर डी, डिस्टेंस आ गई 7/√50। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 38, इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, डायरेक्शन कोसाइन अपन देते हुए या किसी लाइन पे 1/2 -√3/2x, ये डायरेक्शन कोसाइन देते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स फाइंड करना जी आपको, दसो कि मैं फाइंड करा एक्स, कौन करेगा ये क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी जी, कोई दस सकता है? क्वेश्चन नंबर 38, देखो अपने को डायरेक्शन कोसाइन का एक रिजल्ट होंगे एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर इज इक्वल टू 1, एल कितना है 1/2, एम कितना है -√3/2 का स्केयर प्लस एन, एन कितना है एक्स, एक्स का स्केयर इज इक्वल टू 1, ये कितना हो गया 1/4, ये हो गया 3/4 प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1, ये कितना हो गया, अगर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1, 1 कैंसिल, एक्स स्केयर इज इक्वल टू कितना आ गया 0, एक्स कितना आ गया 0, ऑप्शन नंबर बी राइट। ठीक है जी, डायरेक्शन कोसाइन आपां नूं दित्ते हुए सी, ओहदे विचों दो दित्ते सी, तीसरा आपां फाइंड करता सी तां आपां एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर इज इक्वल टू 1 नूं फाइंड कर लिया, एल एम एन की अपने कोल डायरेक्शन कोसाइन ने। अगर आपां नूं ये रिजल्ट डायरेक्शन रेशियो दे विच पुछिया होवे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू 1, तो ए रिजल्ट कदे भी वैलिड नहीं हुंदा, नॉट वैलिड, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर वाला रिजल्ट कदे भी वैलिड नहीं हुंदा, जिहड़ा रिजल्ट सिर्फ वैलिड होएगा वो डायरेक्शन कोसाइन लई होएगा, डायरेक्शन रेशो लई ये वैलिड नहीं होएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड द वैक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2-3/5 एंड पैरेलल टू द वैक्टर दिस, तो किमें फाइंड कराने वैक्टर इक्वेशन, देखो आ जोड़े पॉइंट ने 2-3/5, एक अपने को दे रखा वैक्टर 3i-4j-2k। ठीक है जी, देखो आ जोड़े होंगे ने यह होंगे अपने को ए वैक्टर, ए वैक्टर बना लो इन्हों का 2i-3j+5k, आ होंगे अपने को बी वैक्टर 3i+4j-2k, तो अपने को इक्वेशन की होंगी है आ इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैमडा बी वैक्टर, यही होंगी है, इतने अप्लाई कर दो, ए वैक्टर कि आ गया 2i-3j+5k फिर प्लस लैमडा बी वैक्टर 3i+4j-2k, तो हम आई वाले इकट्ठे कर लो, आई वाले की आने 2+3λi-, कॉमन लेना या नहीं प्लस ही रखो, तो ये अपने को हो जाएगा -3+4λj+5-2λk, देख लो जी हम कि मैच कर रहा ऑप्शन 2+3λ, आता 9 है आ 7 है, आता कैंसिल हो गया, आ दो ऑप्शन आ गए 2+3λ 2+3λ, अगे अपने को है -3+4λ, तो एच देखो -3 चाहिए, इतने +3 आ रहा, तो आ भी कैंसिल, आ गया 4λ-3 5-2λ इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, देखो 40 भी बिल्कुल सेम है 39 की तरह, अगर आप दो पॉइंट दिते हों एक्स वन वाई वन जेड वन, बी पॉइंट हो गए एक्स टू वाई टू जेड टू, जो ए पॉइंट होंगे आ वाला इनू तो आप सिंपली ए बोल देवे एक्स वन वाई वन जेड वन। ठीक है जी, लेकिन अगर आप इक्वेशन फाइंड करनी है वैक्टर इक्वेशन, तो अपने को होंगी है ए वैक्टर प्लस लैमडा, अगर दो पॉइंट दिते हो तो दूसरा पॉइंट आप लिखांगे बी माइनस ए, बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, आता सिंपली ए वैक्टर हो गया, तो आ हो गया बी,
ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਆ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਆ ਏ ਵੈਕਟਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਬਣੇਗੀ ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੋਸ ਏ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੈਮਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਆ ਵੀ ਰੋਂਗ, ਏ ਪਲੱਸ ਲੈਮਡਾ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਏ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਹੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 41, ਇਫ L1 L2 ਹੈਵ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ A1 V1 C1 ਐਂਡ A2 B2 C2 ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ, ਦੈਨ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਲਾਈਨਸ। ਤਾਂ ਦੋ ਲਾਈਨ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਟੈਂਜੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕੈਂਸਲ, ਇਹ ਵੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ, ਕੋਸ ਇਨਵਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ, ਬਚਿਆ ਕਿਹੜਾ? ਆਹ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ A1 A1 A2 B1 B2 ਪਲੱਸ C1 C2 ਰੂਟ ਆਫ A1 ਸਕੇਅਰ B1 ਸਕੇਅਰ C1 ਸਕੇਅਰ A2 ਸਕੇਅਰ D2 ਸਕੇਅਰ A2 ਸਕੇਅਰ ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਰਾਈਟ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 42, ਫਾਇੰਡ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਲਾਈਨਸ। ਦੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇੰਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਲਾਈਨਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਐਕਸ ਪਲੱਸ 2 ਅਪੋਨ 1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵੀ 1 ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਪਲੱਸ 5 ਅਪੋਨ 6, ਵਾਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 1 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈਡ ਮਾਈਨਸ 3 ਅਪੋਨ 2, ਤਾਂ ਜੈਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵੀ 1 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੋ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 4, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਈ ਮਾਈਨਸ 3 ਅਪੋਨ ਮਾਈਨਸ 2, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈਡ ਪਲੱਸ 3 ਅਪੋਨ 1, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਐਂਗਲ ਵੀ ਕੋਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਸ ਥੀਟਾ, ਤਾਂ A1 A2 ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਇੰਟੂ 1, ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ 2 ਇੰਟੂ 6 ਮਾਈਨਸ 12, 1 ਇੰਟੂ 2 ਪਲੱਸ ਦਾ 2। ਨੀਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਲਓ 1 36 4, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕਰ ਲਓ 25 4 + 1, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 5, ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ √41 ਔਰ 25 + 29 = 31, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ -5, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 4 41 + 123 1230। ਲੇਕਿਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਥੀਟਾ ਆਪਾਂ ਫਾਇੰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੋਸ ਇਨਵਰਸ ਮਾਈਨਸ, ਸੋਰੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੋੜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 1230, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਂਸਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ 5 ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿ ਉੱਪਰ 5 ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 5 ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਦਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 43, ਫਾਇੰਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਪੀ ਸੱਚ ਦੈਟ ਦਾ ਲਾਈਨ ਆਰ ਏਟ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਲਾਈਨਸ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, A1 A2 ਪਲੱਸ B1 V2 ਪਲੱਸ C1 C2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਆ ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ, ਸਿਰਫ ਹੁਣ A1 A2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਦੀ 1 ਨਾਲ ਕਰੋ 3, ਪੀ ਦੀ 1 ਨਾਲ ਕਰੋ ਪਲੱਸ ਪੀ, ਔਰ 2 ਦੀ 1 ਦੀ -2 ਨਾਲ ਕਰੋ -2, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੱਖ ਦਿਓ 0, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਪੀ ਪਲੱਸ 1 ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ -1, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 44 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣ
आर वेक्टर ए वन प्लस लैमडा बी वन, और दूसरी लाइन हो गई एक अल्लापा कंसेप्ट कीता सी चंगी तरह, देखते हैं किनू इहदा आंसर आंदा है, किनू कंसेप्ट क्लियर ने। ये कंसैप्ट आप चंकी तरह किया कि दो लाइन अगर वैक्टर फॉर्म के हो तो उन्होंने एंगल की होएगा, देखते हैं जी कौन आंसर दिता है, इनू कंसैप्ट चंकी तरह याद है कल वाला। देखो एंगल की होएगा, एंगल होएगा लाइना तो कॉस थीटा, एंगल अपने को होएगा आ वाले लवेंगे आप बी वन बी टू, बी वन डॉट बी टू नीचे बस इन्हों का मैगनीट्यूड, बी वन का मैगनीट्यूड बी टू का मैगनीट्यूड, सिंपल हम कर लो मैच जी। ऊपर ए वन ए टू है कैंसिल, ए वन ए टू है कैंसिल, बी वन बी टू है, बी वन बी टू का मैगनीट्यूड है राइट, ए वन बी वन टू ए भी कोई गल नहीं बनी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है जी। तो इदा के क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान दे रखने पैणगे क्योंकि कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होंगे ने। क्वेश्चन नंबर 45 ये भी आप कल किया जी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स, स्क्यू लाइन के विचारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्क्यू लाइन्स केड़िया होंदिया है जिहड़िया नो पैरल मतलब पैरल भी ना हो नो इंटरसेक्ट, नो इंटरसेक्ट, नो पैरल नो इंटरसेक्ट, ठीक है जी। जिमें इदा की लाइन आ लाइन है मतलब पैरेलल ना हो तेन टच भी ना करे, तो फिर यदा आप फॉर्मूला कल किया बी वन क्रॉस बी टू डॉट ए टू माइनस ए वन बी वन क्रॉस बी टू का मैगनीट्यूड, तो ए ऑप्शन राइट हो जाए डिस्टेंस का फॉर्मूला, पता डी स्केयर है वैसे ही रोंग है, आ बी वन क्रॉस बी टू ए टू, ए टू माइनस ए वन होंगे इन्हों की डॉट प्रोडक्ट नहीं होंगी तो भी रोंग, आ बी वन माइनस बी टू नहीं होंगे क्रॉस होंगे ए भी रोंग, ना ही इतने टू होंगे तो ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 इफ द प्लेन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इक्वल टू जीरो हो तो ए राइट एंगल पर हो तो कि कंडीशन अपने को सैटिस्फाई करती होंगी है, तो अपने को होंगी है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू सी वन सी टू इक्वल टू जीरो, तो ऑप्शन नंबर डी राइट, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 47 फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन, दो प्लेन के विचकार एंगल फाइंड करना है, कि फाइंड करा कॉस थीटा इक्वल टू ए वन ए टू, टू टू की वन की टू, टू की माइनस वन की माइनस टू, वन की वन की प्लस वन, नीचे मैगनीट्यूड यदा मैगनीट्यूड आएगा रूट नाइन, यदा आ जाएगा वन रूट थ्री, तो यह हो गया अपने को वन अपॉन थ्री रूट थ्री, ऑप्शन नंबर डी राइट, सिंपल जे क्वेश्चन है ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 विच ऑफ द गिवन सेट ऑफ प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, केड़ा सैट है जरा इन्हों एक दूजे के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलरली आप चेक करा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो, तो देख लो जी पहला ए ऑप्शन चेक करते हैं, टू की वन की देखो आ भी प्लस ने, आ भी प्लस ने मतलब कुछ सबट्रैक्ट तो हो ही नहीं रहा, तो ए ऑप्शन कैंसल माइनस, हाँ ये एक माइनस है तो वन वन की माइनस टू प्लस टू जीरो वन बचेगा, ये भी कैंसल, टू की वन की टू टू की वन की टू माइनस टू की टू ना की माइनस फोर वन की टू ना की टू ए आ गया जीरो, ऑप्शन राइट लग रही है, एक बार आप चेक कर लगे थ्री माइनस फोर माइनस वन प्लस एट, हाँ जी सी ही राइट है, सी जड़िया लाइना ने एक दूजे देखे ने परपेंडिकुलर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 49 विच ऑफ द फॉलोइंग सैट ऑफ प्लेन आर पैरल टू ईच अदर, पैरल कि लाइनस होंगे ने देखो जी पैरेलल लाइंस केड़ियां होंगे, तो पैरेलल लाइन अपने को वो होंगे इन्हां दे विच आपां ये भी देखने,
जी पैरेलल लाइन आप हम ये नहीं देखना कि कोफिशियंट कि सेम ने कि आप देखने बह जाइए कि हाँ पैरेलल लाइन के आप कोफिशियंट देखने ने कि अगर इस लाइन के भी 2x+3y+4 जेड है तो इधर भी उही होंगे। देखो अगर कोई अपने को अगर होएगा तो वो ये वाला ऑप्शन लगाने की कोशिश करेगा 2x+3y+4z 4x+6y+8 अगर इतने की होंगे 4 होंगे ठीक है तो वो ये वाला ऑप्शन लगा सोचता कि इन्हों 2 ना मल्टीप्लाई कर बिल्कुल सेम बन रहे हैं कोएफिशिएंट तो पैरेलल होंगे बट ऐदा नहीं है। पैरेलल के अपने को आप कंडीशन की सी प्लेन पैरेलल कदों होंगे ने तो प्लेन पैरेलल उदों होंगे ने जो L1/L2 M1/M2 N1/N2 इक्वल आ जाए उदों प्लेन पैरेलल मने जाते हैं। तो चेक करो 2/3 3/9 आता कैंसिल 2/4 1/2 3/6 1/2 4/8 1/2 2/9 ये भी कैंसिल है ना। हाँ ये राइट है इक्वल आ नहीं चेक करना आप 2/9 चेक करना ठीक है। 3/3 1 2/4 1/2 ए भी कैंसिल 2/4 1/2 4/2 आ भी कैंसिल तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगी। बट इन चेक आप कि करना है L1/L2 M1/M2 N1/N2 का ठीक है जी। तो लास्ट ला जो ऑप्शन है ये आप चेक नहीं करना होंगे कॉन्सटेंट होंगे सिर्फ L1/L2 M1/N2 N1/N2 चेक करना होंगे। क्वेश्चन नंबर 50 डैश इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू टू प्लेन्स। द नॉर्मल बिटवीन द प्लेन इज एंगल नहीं जी। टेंजेंट बिटवीन नहीं जी। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन इज एंगल ना। द एंगल बिटवीन द प्लेन इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल जो प्लेन के विचकार एंगल होंगे वही एंगल बिटवीन द नॉर्मल होंगे तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाए। द एंगल बिटवीन द प्लेन इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू प्लेन। क्वेश्चन नंबर 51 फाइंड एस इफ द गिवन प्लेन आर परपेंडिकुलर। दो प्लेन परपेंडिकुलर ने तो वही कंडीशन 2/3 ना कर लो 6 2/1 कर लो 2 एस दी -2 Z1 कर लो कि जेड का कोएफिशिएंट इतने एस है इतने की है 1 1 एस ही रह जाएगा इक्वल टू 0 एस दी वैल्यू कितनी आ गई -8 डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 डैश प्लेन हैव एन एंगल 90 डिग्री बिटवीन दैम। दसो जी तुसी दसना है आंसर किहड़े प्लेन्स के विचकार एंगल 90 डिग्री होगा टेंजेंट नॉर्मल पैरल या ऑर्थोगोनल। जे ऑर्थोगोनल प्लेन होंगे उन्होंने विचकारला एंगल की होएगा 90 डिग्री होएगा तो ऑप्शन नंबर ए राइट ठीक है जी आ राइट होगी बाकी सारिया रॉन्ग। 53 द एंगल बिटवीन द लाइन्स एंगल फाइंड करना है तो कॉस थीटा आएगा फिर A1 A2 7 -10 3/1 की +3 बस इन्ने बहुत है 10 -10 0 हो गया नीचे मैग्नीट्यूड करने की जरूरत नहीं 0 आ गया तो थीटा कितना हो गया 5/2 ऑप्शन नंबर बी राइट ठीक है जी बी राइट। इक्वेशन 54 इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1/2 -3 एंड पैरेलल टू द लाइन तो बस पासिंग थ्रू है आ पॉइंट पुट करके देख लो किनू सैटिस्फाई कर रहे हैं। H1 पुट किया 0 H2 पुट किया 0 -3 पुट किया 0 इनू सैटिस्फाई कर रहे हैं -1 3.2 इनू नहीं सैटिस्फाई कर रहे 1 इनू नहीं कर रहे तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इस नु ये सैटिस्फाई कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा क्योंकि देखो डायरेक्शन कोसाइन तो सेम ही आएंगे अगर पैरेलल ने 1 3 4 तो ए चो पास कर रहे हैं 1 2 3 ठीक है जी आप इदा भी फाइंड कर सकते। क्वेश्चन नंबर 55 इफ लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर दैन के। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब की है एंगल 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री का मतलब की है A1 A2 B1 B2 C1 C2 कि 0 -3 की 3 3K की -9K 2K/1 की +2K और 2/-5 ना कीती -10 इज इक्वल टू 0 तो -7K इज इक्वल टू 10 के दी वैल्यू कितनी आ गई -10/7 ऑप्शन नंबर ए। 56 फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए तुसी करना है जी
ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਵਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਵਾਈ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਵਨ, ਜੈਡ ਮਾਈਨਸ ਜੈਡ ਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਐਕਸ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਵਨ, ਵਾਈ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਵਨ, ਜੈਡ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਜੈਡ ਵਨ, ਫਿਰ ਐਕਸ ਥ੍ਰੀ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਵਨ, ਵਾਈ ਥ੍ਰੀ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਵਨ, ਜੈਡ ਥ੍ਰੀ ਮਾਈਨਸ ਜੈਡ ਵਨ, ਪਰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀਰੋ। ਦੇਖੋ ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦਾ ਆਂਸਰ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਆਂਸਰ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਲੇਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਇੰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਮ ਹੈ? ਥ੍ਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। 57, ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪਲੇਨ, ਦੋ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਐਂਗਲ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਦੀ 1 ਨਾਲ ਕੀਤੀ 3, 2 ਦੀ 1 ਨਾਲ ਕੀਤੀ 2, 1 ਦੀ ਮਾਈਨਸ 2 ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮਾਈਨਸ 2, ਇਹ ਕੱਟੇ ਗਏ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ 3, 3 ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਆਏਗਾ 9, 4, 13, 1, ਰੂਟ 14, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 1, 3, 1, 6, ਰੂਟ 6, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਅਪੋਨ ਰੂਟ 84। 84 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਅਗਰ 4 ਇਹ ਚੋਂ ਕੋਮਨ ਕੱਢ ਲਈਏ 2 ਰੂਟ 21, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਦਾ 2 ਰੂਟ 21 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ 84 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਸਾਈਨ ਐਂਗਲ, 9 ਤੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਐਂਗਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ? 3 ਦੀ 2 ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ 6, 4 ਦੀ ਮਾਈਨਸ 2 ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ 8, 5 ਦੀ 1 ਨਾਲ 5, ਨੀਚੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 3, ਉੱਪਰ 3 ਹੋ ਗਿਆ, 11 ਤਿੰਨ 8 3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ ਮੈਗਨੀਚੂਡ 9, 16, 20, ਰੂਟ 50, ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ 4, 3, 9 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 3 ਰੂਟ 50, 3 ਨਾਲ 3 ਕੈਂਸਲ, 1 ਅਪੋਨ ਰੂਟ 50, ਰੂਟ 50 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? 5 ਰੂਟ 2, 1 ਅਪੋਨ 5 ਰੂਟ 2, ਤਾਂ ਰੂਟ 2 ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਰੂਟ 2 ਅਪੋਨ 10, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਗਲਤ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸੀ ਕੋਈ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਨਨ ਆਫ ਦਿਸ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਰੂਟ 2 ਪੁਆਇੰਟ, ਆ ਰਾਈਟ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਸ ਸੀ, ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਆ। 59, ਏ ਲਾਈਨ ਮੇਕਿੰਗ ਐਂਗਲ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਵਿਦ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਨੇ, ਅਲਫਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਲਫਾ ਔਰ ਬੀਟਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 90 ਡਿਗਰੀ, ਆ ਦੋਨੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਗਾਮਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 180, ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 90 ਨੇ, ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ? ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ 90 ਬਚ ਗਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 60, ਫਾਇੰਡ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਨ 0 7 10 ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ 1 6 6, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ ਆਰ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਡੀ ਆਰ ਕੀ ਜਾਣਗੇ? ਐਕਸ 2 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ 1, ਮਾਈਨਸ 1 ਚੋਂ 0 ਗਈ ਮਾਈਨਸ 1, 6 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ 7 ਗਏ ਮਾਈਨਸ 1, 6 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ 10 ਗਏ ਮਾਈਨਸ 4, ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਚ ਕਰ ਲਓ, ਮਾਈਨਸ 1 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ 1, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ 1 ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਆ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੈ, ਆਈ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਆਏਗੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਇੱਥੇ 2 ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ 2 ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੱਢ ਲਓ ਆਪਾਂ 16, 1 1 18, ਰੂਟ 18 ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ, ਮਾਈਨਸ 1 ਅਪੋਨ ਰੂਟ 18, ਮਾਈਨਸ 1 ਅਪੋਨ ਰੂਟ 18, ਮਾਈਨਸ 4 ਅਪੋਨ ਰੂਟ 18, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਆ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 3 ਰੂਟ 2, ਮਾਈਨਸ 1 ਅਪੋਨ 3 ਰੂਟ 2, ਮਾਈਨਸ 1 ਅਪੋਨ 3 ਰੂਟ 2, ਮਾਈਨਸ 4 ਅਪੋਨ 3 ਰੂਟ 2, ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਜੀ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਆ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਡੀ ਰਾਈਟ ਆਉਣੇ ਆ ਇਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
सो अज आप 60 तक एमसीक्यू कर लेने, कल आप एमसीक्यू करा जो अपने प्रीवियस ईयर पेपर के आए हुए हैं जो होर भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू होंगे। कल अपना लास्ट डे रहेगा 3D का, अगर तुम्हें क्लास अज वाली वधिया लगी प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दियो, और जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल में भी जरूर सब्सक्राइब कर दियो, और एंड तक कमेंट जरूर करो कि तुम्हें क्लास किदा की लगी। ठीक है जी, तो क्लास का जरूर दसना, तो एक जो क्वेश्चन का तुम्हें आंसर किया गया है वह भी जरूर तुम रिप्लाई करना कमेंट के बॉक्स। ओके जी, टेक केयर, मिलते हैं कल।